डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में एक गांव है ईसापुर, वहीं पे हमारे पिताजी रहने वाले, वहीं पे हमारा जन्म हुआ। हमारे 6 सिस्टर हैं, हमारे अपने सगे भाई नहीं हैं, खेती का काम होता है। मैंने पट्टी नरेंद्रपुर से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किया और शादी हमारा बाल विवाह हुआ था। मैं 2 या 3 साल के थे, मुझे मालूम ही नहीं, मैं अपने शादी के बारे में जानती नहीं, विद्रोही जी कैसे हैं क्या, मैं कुछ नहीं जानती बिल्कुल, अननोन। अच्छा, मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी तब चर्चा शुरू होने लगी हमारे यहाँ रीमैरिज की, जिसको हम कहते हैं गाँव में गौना होता है। अच्छा, चर्चा होने लगी तो मैंने अपने पिताजी को समझाया कि मैं पढ़ रही हूँ अभी, हमें बीए करने नहीं जाए। लेकिन मेरे पिताजी को सांप खाया हुआ था तो बड़े परेशान थे, सोचे कम में इंस्पायर कर दूँ, कोई पता नहीं जिंदगी, इसलिए उन्होंने माना ही नहीं मेरी कोई भी बात। मैंने इंटरमीडिएट का पेपर ही नहीं दिया था, 1 महीने रह गया पेपर देने को, तो उन्होंने हमारा वो गौना कर दिया। इस तरह से आना जाना शुरू हो गया। इस तरह से 1-2 बार आई गई, एक बहुत ज़्यादा बेहद गरीब, इतने गरीब कि इनके घर में ओढ़ने के लिए रजाई नहीं, बिछाने के लिए कोई बिस्तरा नहीं। फिर मैं अपने गाँव चली गई, हमने पिताजी को अपने बताया तो हमारे घर में सलाह हुई कि हम उसको वहाँ नहीं भेजेंगे। उन्होंने हमारी दूसरी शादी नहीं कर दी, हमारी शादी के 10 दिन रह गया था, हमको बताया नहीं। हमारी जोड़ी तो विद्रोही जी दिल्ली से गाँव गए हुए थे। मैंने इनको चिट्ठी भेजी किसी से, फिर इन्होंने हमें चिट्ठी भेजी लेकर, तो हमारे गाँव हनुमान जी का मंदिर होता है, मैं वहाँ मेला आई हूँ। तो फिर दिमाग में आया कि कहीं पिताजी जो कर रहे हैं शादी से ज़्यादा कंडम है। तो मेरे मन में आया कोई नहीं, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और मैं खुद कमा के अपनी बात। तो हम विद्रोही जी वहाँ आए मेले में, हमारी दोनों को बात हुई, हमारी बुआ आई थी मेरे साथ, मैं रात को घर नहीं गई, मैं विद्रोही जी के साथ सुल्तानपुर आ गई। तो हमें 1 महीने रही तो हमारी बिटिया का जन्म हो गया हमारे घर। तो 1 महीने के बाद इनके बस की नहीं रही कि आर्थिक स्थिति झेल सकें। ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, इनके एक दोस्त थे उनके कमरे में रहते थे, उसी कमरे उन्होंने कमरा छोड़ दिया हमारे लिए। तो इसके बाद मुझे गांव लेके चले गए, क्योंकि मम्मी पापा ने बड़ा विरोध किया, वो झूठे विरोध करे थे मुझे दिखाने के लिए ताकि ये बहुत झूठ के रहे, इसलिए झूठे कह रहे थे क्यों ले आए, हम दूसरी शादी करते, इनकी दूसरी शादी तो कोई मेरे को मतलब नहीं, जिसके घर में खाने ठिकाना रहे कहाँ दूसरी शादी। हजारों का खून, करोड़ों का नुकसान, यही सीखा है हमने आजादी के बाद। क्या इसीलिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? और फिर ये सब किसके खिलाफ, किस लिए, किसके फायदे के लिए? आखिर ये नेता चाहते क्या हैं? नेताओं को इतने से ही संतोष नहीं हुआ, इनके इरादे हद से कहीं आगे बढ़ गए। इन्होंने फौज को भड़काया, जनता और सरकार के खिलाफ गोले दागने के लिए देश के रक्षकों के कान भरे। जनता के सेवक इन पुलिस वालों से कहा, तुम काम मत करो, बगावत करो, जनता के खिलाफ, हमारे और आपके खिलाफ, आखिर हम ये सब कब तक चुपचाप बर्दाश्त करते? सरकार को कुछ कदम उठाने ही पड़े। हमारी प्रधानमंत्री ने देश को बतलाया, इसमें कोई शक नहीं कि उस दुविधा होती है, खासकर जब लोग समझते हों कि देश में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही समय को खतरे का समय कहते हैं।
इसलिए राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा की गई 26 जून सन 1975 को। Our policy is regardless of whether people are criticizing us or praising us. Our policy is based on what we consider the right thing to do. तो हमारा बेटा ना एक महीने का हुआ था तो विद्रोही थे जनरल पूरा यहाँ क्रांति फैलाए हुए थे तो हमारे पिताजी बिल्कुल नहीं स्वीकार करे कहे इनके बच्चों को मैंने इन्होंने हमारे मान सम्मान में हानि पहुँचा दी अपने बच्चों को हमारे घर क्यों आने दिए तो इनके बड़े भैया गए तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानते इनको अभी दे इनके भैया बोले कि एक हफ्ते टाइम तो मैं रिक्शा वगैरह लाऊंगा तो ले जाऊँगा रिक्शा सुबह एक हफ्ते बाद आए लेके हमको ले गए जिस गरीबी में थे हमारी सासू इतनी गरीब थी भैंस गरीब थी हमारे पास उसका दही बेच के अनाज अनाज लाती थी तो हम लोग खाना खाते थे बना के जब अनाज दही नहीं बनता तो खाना भी नहीं बनता था दही नहीं बिकता था अनाज नहीं बिकता था इस तरह से जिंदगी चलती रही फिर मैं हमारा बेटा जब 6 महीने को गया मेरे दिमाग आया कि मैं भी वहीं जेल में चल के कुछ काम करूँ पढ़े लिखे हूँ तो अपने बच्चों के लिए खर्चा देती रहूँ हमारी सास संभाल लेंगे बच्चों को तो मेरे पेट में और भी बच्चा था तो हमारी सास बोली भाई अपनी भैंस देखूंगी कि मैं इनको संभालूंगी तुम्हारे बच्चों को देखूंगी हमारे बच्चे नहीं इनको ले जाओगी तो बच्चा हमारा 6 महीने का था दूर पिता था छोड़ने बहुत दिक्कत हुई लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी मैं सोची अभी छोड़ दूंगा हमारी सास संभालने कोई नहीं तो मेरे पति विद्रोही जी पूछे तू अपनी मम्मी के पास बच्चों को रखना चाहती हूँ हमारी मम्मी के पास मैंने कहा नहीं मैं अपने सास के पास रखना चाहती हूँ इनकी औलाद है इनके पोते हैं पाल लेंगे हमारी मम्मी नहीं पाली उसको दाम समाज का कहेंगे हम इनके बच्चों को नहीं रखेंगे हमारे पापा जी नहीं रखेंगे हमारी सास हमारे बच्चों को रखा 4 वर्ष तक मैं इनके साथ दिल्ली आई मैंने जेल रूम में ट्यूशन पढ़ाती थी अप्रेम लता सिंह के घर में रसोई में खाना खाती प्रेम लता सिंह है प्रोफेसर कोई तकलीफ नहीं है लेकिन रहने की बड़ी जबरदस्त समस्या थी जेल में रहने की जगह नहीं मेरे पास किराया इतना नहीं मैं 13 वर्षों की तो मैंने सेंट्रल स्कूल है ना जेनों में कर्मचारियों के बच्चों पढ़ने के वहाँ के कर्मचारियों से संबंध कर था उनकी लड़की औरतों से जाकर व्यवहार जब मैं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी मैं ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती थी वहाँ ड्यूटी करती तो कहती मैं तुम्हारे खाने के लिए खाना बना दूँगी मैंने कहा लेकिन मैं रहूँगी गाँव में दिक्कत तो बोली तुम्हारे लिए यहाँ झुग्गी बना दूँगी मैंने कहा तो अच्छी बात है मैंने जेनों में ना झाड़ू बर्तन कर दी थी साफ सुथरा सुबह 4 बजे एक विपन चल रहा है मैं उनके यहाँ झाड़ू बर्तन खाऊंगा और प्रेम लता सिंह यहाँ खाना बना देती अब वहाँ ड्यूटी करती थी इनके कर्मचारियों ने बच्चों को टाइम निकाल के पढ़ा दी कर दिया इन्होंने कहा तुम हमें पैसे दो और सरपत काट जाओ बड़े बड़े सरपत होते हैं बड़े बड़े वहाँ अरे अरे मैंने एक दरार खरीदा सरपत काट करके सिर्फ रख रख के ढोक मार दी जुग बनाने के लिए और मैंने इनके टुकड़े खरीद लिया नानी वाली के बचा
वो बता रही थी, और लोग क्या कि नानी पर कई लोग काम करना चाह रहे हैं। हमने कहा हाँ, तो हो सकता है कर रहे होंगे, लेकिन पल्लवी तो कर रही है और तो लेके नानी को अपना जो है कुछ करेगी। कविता नहीं कहानी है, ये दुनिया सबकी नानी है, और नानी के आगे ननियाल का वर्णन अच्छा नहीं लगता। एक अधेरी कोठरी में एक गोरी सी औरत मेरे जेहन में, एक अधेरी कोठरी में एक गोरी सी बूढ़ी औरत मेरे जेहन में मेरी नानी की तस्वीर कुछ इस तरह से उभरती है जैसे कि बाजरे की बाल पर गौरैया बैठी, और मेरी नानी की आंखें उमड़ती हुई समंदर सी लहराती उन आंखों में आज भी मैं आपात मस्तक डूब जाता हूँ आधी रात को दोस्तों, और उन आंखों की कोर पर लगा हुआ काजल लगता था कि जैसे क्षितिज की छोर पर बादल घूम रहे हैं, और मेरी नानी की नाक नाक नहीं पीछा की मीनार थी, और मुँह की मत पूछिए मुँह की जोर थी मेरी नानी, और जब चीख कर डांटती थी तो जमीन इंजन की तरह हाँपने लगती थी, जिसकी गर्माई में आसमान का लोहा पिघलता था, सूरज की देह गर्माती थी, दिन को धूप लगती थी और रात को जुड़ी जाती थी, और गला जितिया के चंद्रमा की तरह मेरी नानी का गला पता ही नहीं चलता था कि हंसली में फंसा है कि हंसली गले में फंसी है, लगता था कि गला गला नहीं बिझाता ने समंदर में सेत बांध दिया, और देह मेरी नानी की देह देह नहीं आर्मेनिया की गांठ थी। पामीर के पठार की तरह समतल पीठ वाली मेरी नानी जब कोई चीज उठाने के लिए जमीन पर झुकती थी तो लगता था कि जैसे बालकन झील में काकेशस की पहाड़ी झुक गई, बिल्कुल इसकी वो बालक की तरह लगती थी मेरी नानी, और जब घर से निकलती थी तो लगता था कि जैसे हिमालय से गंगा निकल रही। विद्रोही जो कविताएं लिखते हैं हाँ? उसको आप पढ़ती हैं? मेरी समझ में कम आता है, मुझे उसमें कोई जानदार दिखती नहीं, क्या उसमें उनका भाव क्या है वही समझ नहीं। कविताएं लिखते हैं उसमें एक बार दिखाया था, एक किताब में लिखा हुआ कि उनको अपनी नानी की याद आती है, तो नानी की याद तो जाहिर सी बात सबको आती है, सब अपनी नानी की याद करते हैं, वही अकेले याद नहीं करते हैं, उन्होंने लिखा अपने दिल का भाव दिया है, अच्छी बात है। कोई कविता जो पसंद हो आपको? उन्होंने कोई कविता हमारे पास रखा नहीं है, कोई याद नहीं उन्होंने रखा नहीं, किताब एक है मैं कभी पढ़ती नहीं, पूछ सकते हैं जान के भागो भाग रहती है। अब देखो मैंने चावल ग्राम बनाया है ना, दान कर रखा है, सुबह उठी मैंने इसमें सीमेंट लगाया कुछ ऊपर टूट फूट उसको ठीक किया, और कपड़े वपड़े धोए स्नान किया पूजा वूजा किया चाय पी गिरिराल हो जाऊँ 10 महीने की नौकरी और है पेंशन तो मिलेगी हमें, मैं अपनी दुकान करूँगी उनको छुड़ा के लाई जेल से, इतने बीमार थे उठ नहीं सकते थे, बैठे बैठे उनकी डट्टी दोनों करते थे, फिर मैं उनको गोदे में उठा के ट्रेन में ले गई, गोदे में उठा के टॉयलेट ले जाती थी ट्रेन से, हल्की शरीर के तो है गाँव में ले गई, मैंने पैसे वैसे दे गए हमारी सासू भी उनको दूध पिलाती थी, तब जाके 4 महीने फिर आ गए यूनिवर्सिटी से मुकदमा चला, सारा पैसा मिला दिया वो कपड़ा खाना खर्चा मैं देती थी सारे, मुझे कोई नफरत नहीं थी,
अब जिसकी जैसी भावना है हम क्या कर सकते हैं इस मामले में, उनका जो दिल करे करे, जितना मेरे से सहयोग हो चुका मैंने किया, अभी जिस सहयोग के लायक रहूंगी जब बोलेंगे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो रहना चाहें बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करें, हमको एक रूम दे दें, ठार से रहें, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, कोई हमारा सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। गाँव में भी उनका दिल चले रहें, यहाँ भी रहें, कोई दिक्कत नहीं। पर आपने उनके लिए इतना सब क्यों किया? आपने उनके लिए इतना सब क्यों किया? बता रहे, मैंने इसलिए किया ना कि हमारी उनसे शादी हुई, ये सब आवश्यक होता है अपनों के लिए, अपना तो कहना अपने हैं ना, अपनों के लिए मैं करती हूँ जो मेरे से हो सकता है, हमारी भी इस तरह की भावना है, अपने हैं ना, मुझे तो करना होगा, जब तक हमारी लाइफ रहेगी तब तक मैं करूँ, अपने अपना तो कहना, आज भी करने के लिए तैयार हूँ। अब दिवाली देखो उनके लिए मिठाई का लेके आती हूँ, मैं गई तो उन्होंने मुझे चाय नहीं पूछा, बड़ी देर हो गई, वो काफ़ी लेट हो गया, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ चाय नहीं, क्या चाय में नहीं देर पिला सकते हो, तो उठ के भागे गए चाय लाया, अरे अरे चाय लाया, समोसा मंगाए, समोसा नहीं चाहिए, आप चाय तो पूछ सकते थे, मुझे दो तीन घंटे यहाँ आए हो गया, पानी के तो मैं बोतल ले गई थी, मैंने कहा चाय तो मुझे पूछ सकते थे, कहे हाँ सारी शांति जी मैं ला रहा हूँ। वो मेरे से कोई मतलब नहीं रखते, मुझे पत्नी पति पत्नी कोई संबंध नहीं, एकदम खत्म हो गया। जब एकदम जवान लड़की हमारे छोटे में शादी होती है, मैं 20 साल के करीब थी तो हमारी बिटिया हुई, 21-22 साल होती है बेटा हो गया, फिर तीसरा बच्चा भी पेट में आ गया, उन्होंने गिरधारी लाल हॉस्पिटल में जाकर उसको निकलवा दिया, 6 महीने का बच्चा बेटा था, मैं कहीं रहने तो कोई बात नहीं, तो वहाँ एक लेडीज थी उसके बच्चा नहीं हो रहा था, मैम साहब थे बहुत पैसे वाली, वो कहे थे बच्चा मैं ले लूँगी तुम्हें, पैसा दे दूँगा 8-10 हज़ार रुपये, मैं फिर वही चीज़ कहने लगी, कहे हम अपना बच्चा बच्चा नहीं देंगे, मैं कहा पाप से तो बढ़िया ही रहेगा, कहे नहीं, वो मुझे ले गए 1 महीने से बात करके हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए साइन करके, बच्चा निकाला गया, हालत मेरी गंभीर होती रही, 2-3 दिन में छुट्टी मिल गई, मुझे पैसा मिल गया, मैं अपने घर आ गई, 2-3 महीने में ठीक हो गई, फिर काम करने लायक हो गई, मैं काम करने लगी, जब गाँव जाते थे तब तक तो मामला ठीक था, जब जेनू आए तो बिल्कुल हो रही है भैया, न पैसा देना न कोई किसी से मतलब, बिल्कुल भूल गई। तब एक कठिनाई मुझे बड़ा जोर पड़ा, लेकिन मैं नौकरी में थी हमें इसलिए दिक्कत नहीं, इसलिए हमने इंडिया में सात लोग शादी कर लेते हैं, एक बच्चा जब बीवी हो जाता है तो साधु बन के अयोध्या चले जाते हैं, वहाँ जाकर उनके पास बहुत सी औरतें होती जो साधु बनी होती, तो उनसे वहाँ खुश रहते हैं, और यहाँ बीवी रोती रहती है एक बच्चा लेकर के, यहाँ समाज समझाता है तुम शादी नहीं कर सकती हो इसलिए कि तुम्हारा पति अभी है, बेशक साधु बन गए, तो औरतों पे इतना जबरदस्त डंडा दिया जाता है, तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती, किसी मर्द से बात नहीं कर सकती हो, नहीं तुम्हें समाज जीने के लिए मना कर देगा, तुम्हारे माँ बाप के घर नहीं जा सकती हो, और मर्द के लिए कोई प्रबंध जाए जाके अयोध्या में बदमाशियाँ करते सब औरतों से, मेरे दिमाग में बात हमेशा ही याद भी रही, मतलब तब तक वहाँ उनके संबंध है, इसीलिए वहाँ वो रहते हैं लगातार, ऐसा कुछ नहीं उनके अंदर ऐसी कमी आ गई है कि उनको औरत की जरूरत नहीं है, औरत की जरूरत है रहेगी, मैं उनकी पत्नी उनके बारे में सबसे ज़्यादा मैं जानती हूँ, तो लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया अच्छा नहीं है, मैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, और ना कोई इस तरह मेरे दिल में है और रहेगा, नहीं। तो आपको कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई जब उन्होंने आपको छोड़ दिया? हमें महसूस हुई, हम भी मर्दों के बीच नौकरी करते हैं, मैंने तो अपने फ्रेंड से किया उसी जिंदगी निकल, हमारा अपना सेपरेट मकान है, हमें जरूरत होती है बुला लेते हैं, अभी उनको भी प्रॉब्लम है, उनकी पत्नियाँ नहीं इंस्पायर कर रही, हमारे पति भी इंस्पायर के बराबर हैं, जब आप लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत, हम बता रहे हैं सब ठीक है ना, मैं नहीं रह सकती, पागल हो गया, जिसे इंसान को पेट में भूख लगती है उसे इसकी जरूरत, मैंने शादी किसी से नहीं किया अपने घर जैसे चलाने के लिए, कोई धोखा दे जाए, कोई हमारा पैसा ले जाए,
ले अपने बच्चों को मुझे पालना करना, अपना पैसा खींचना पैसे से। लेकिन मेरे संबंध है, अभी देखो फोन आ गया, उनका ही फोन है, अभी यहाँ आके बैठेंगे। पिछले विद्रोह जी गाते ही मेरा दिमाग खराब होता, तू क्यों होते क्यों? बाकी आप लोग जो मर्जी हमारे विषय समझते नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो तू अस्पष्ट बात विश्वास करने वाले हमारे कहने में क्या। मेरी नानी मरी नहीं है, वह मोहन जोदड़ो के तालाब में स्नान करने गई है और उसकी आखिरी सीढ़ी पर अपनी धोती सुखा रही है। उसकी कुंजी वहीं कहीं खो गई है और वह उसे बड़ी बेसब्री के साथ खोज रही है। मैं देखता हूं कि मेरी नानी हिमालय पर मुख डर रही है और अपनी गाय को एवरेस्ट के खूंटे से बांधे हुए है। मैं खुशी में तालियां बजाना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या, मेरी हथेलियों पर तो सरसों उगाई है। मैं उसे पुकारना चाहता हूँ लेकिन पुकार नहीं पाता हूँ, मेरे होठों पर तो दही जम गई है। मैं पाता हूँ कि मेरी नानी दही की नदी में बही जा रही है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, पकड़ नहीं पाता हूँ। मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, बुला नहीं पाता हूँ। और मेरी देह, मेरी समूची देह एक टूटे हुए पत्ते की तरह थर थर कांपने लगती है। चलो चलो बेटा चलो। हाँ जी चलिए।